कोई चीज बनाते हैं जहाँ कस्टमर है ना नजर ठहर के बैठ जाए, और कि जितना आप ग्राहकों को दिखाओगे, जितनी कैपेसिटी आपकी होगी, उतना ही माल और मार्केट के अंदर आपको सस्ता मिलेगा। पूरे गोडाउन के अंदर देखो, लड़के आज आ गए तो सैंपल का माल और बन के रेडी होके आया है कि हमको जो चीज खरीदनी है और हमको जो चीज बेचनी है, बिल्कुल सही है, या वो जिससे ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है। तो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका 7 फेरों के अंदर। आज आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हैं लहंगे जो मिलते हैं मार्केट में सबसे महंगे और 7 फेरों में मिलते हैं सबसे सस्ते। तो प्रमोद भाई नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है? बस एकदम बढ़िया है। आज सभी व्यूअर्स के कहने पर, अच्छा, या उनके कमेंट देखने पर, क्या भाई एक दुकान की क्या होती है कैपेसिटी, अच्छा, और कैसे एक दुकानदार आपको माल देता है, किस टाइप से देता है, किस टाइप से स्टॉक रखता है, बिल्कुल सही है। वो स्टॉक दिखाने के हिसाब से आज मैं लेके आया हूँ आपको मेरे गोडाउन। अच्छा, और वो गोडाउन जो जहाँ पे रखते हैं हम अपना माल, बिल्कुल सही है, हमको रखना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि इतना दूर चला के कस्टमर आ नहीं सकता। इतना बड़ा जगह अगर मैं लूंगा मार्केट के बीच में, सही है, तो मैं तो सर भाड़ा किराया ही भरता रह जाऊं। सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। ये सब व्यूअर्स को और मेरे जो भी कस्टमर है, बिल्कुल सही, उनको माल नहीं दे सकता मैं, नहीं देती, ठीक है ना, तो गोडाउन तो रखना पड़ता है। यही सब स्टॉक आपको है ना मेरी दुकान पे मिलेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको कैपेसिटी दिखाऊंगा। सही बात है, ताकि आपको पता चले कि भाई हमको जो चीज खरीदनी है और हमको जो चीज बेचनी है, बिल्कुल सही है, और जिससे ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है। सही बात, वो एक पीस में हमको कितना पीस बनाता होगा, कैसे बनाता होगा, खाली बोल बच्चन नहीं करता है कि वास्तव में ही बनाता है, बिल्कुल सही है, है? तो वो सब चीजों को मध्य नजर रखते हुए मैं आज आपको लेके आया हूँ गोडाउन में, बिल्कुल। तो अब हर एक वेरायटी, ये देखो कलर के अंदर कितने कितने कलर होते हैं, मतलब कितनी वेरायटी में, मैं बोलता हूँ ना सर 500 पीस 400 पीस बनाते हैं जब जाके एक डिजाइन बनती है, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए आप, एक डिजाइन एक कलर में, ये इस टाइप से पूरा, ये पूरा जो आप देख रहे हो इधर की पूरी, ये 500 पीस की थप्पी है, वो एक डिजाइन, बिल्कुल एक ही डिजाइन के सूट कलर से, खाली 4 या 5 कलर होंगे, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। तो पर कलर 64 पीस 70 पीस 85 पीस 90 पीस इस हिसाब से ही मशीनों में बनते हैं, क्या है? तब जाके, इसीलिए तो हम हर एक डिजाइन को सोच समझ के बनाते हैं। सही बात है, उनमें से तो भी 1000 डिजाइने बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कि कैसा भी कस्टमर हो, कैसे भी हो, बिल्कुल है, वो सब कहने का मतलब खरीदी कर सके। मतलब भाई किसी साइड से आते हो, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा का पूरा, हिंदुस्तान में देखो एक भाषा नहीं है तो एक पैटर्न कैसे चल सकता है, बात है ना। तो दोस्तों, तो साउथ में प्रमोद भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यही दुकान अपन थोड़ी सिटी से बाहर अपना गोडाउन रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि भाई सिटी के अंदर ये ही अगर रेंट पे अपन ले तो 5 लाख 7 लाख रुपए इसका कुछ है, उसकी वो सब खर्चा कुछ भी हो ना सर, 1 रुपए का खर्चा हो चाहे 5 लाख का हो, वो निकलेगा तो माल कैसे, हाँ, दुकान से निकलेगा। इसीलिए यहाँ थोड़ा आपके लिए तकलीफ उठा लेंगे, बाकी अपने व्यूअर्स तकलीफ नहीं आनी चाहिए कि भाई सस्ता मिले, तो इसलिए आप कैपेसिटी देखिए आज 7 फेरों की, जिसलिए हम आए हैं आज। प्रमोद भाई बोले रामना राम साहब, आज अपन कैपेसिटी दिखाते हैं कि 7 फेरों की कैपेसिटी क्या है। तो ऐसे ही सूरत के अंदर बोल बच्चन नहीं होता भाइयों और बहनों, आप कलर देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर है और कितनी कैपेसिटी के साथ ये कलर आप देख लीजिए आज। अब आज इसके अंदर डिजाइन देखिए, प्रमोद भाई थोड़ा इसका बताएंगे आप, ये सब सैंपल पड़े अपने, अच्छा सैंपल अलग से पड़े, बिल्कुल आप बोलोगे जो सैंपल्स दिखा दे। इतने क्या है कि सैंपल मैं आपको दिखा नहीं सकता वीडियो के अंदर, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ओवरव्यू। प्रमोद भाई मैं थोड़ा घुमा के एक बार कंटिन्यू अपना इसको बता देता हूँ, क्या बात है दोस्तों, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी लहंगों के अलावा आपको दूसरी चीज कोई नहीं देखेगी, क्योंकि एक कैपेसिटी लेके बैठना लहंगों के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब कितना कैपेसिटी आप देखिए 7 फेरों के कंपनी की। ऐसे ही बोल बच्चन नहीं होता है, मतलब इसके साथ आपको वैरायटी देना, मेंटेन करना, ग्राहकों के साथ जुड़ना, ग्राहकों के साथ विश्वास जोड़ना, तो भैया इसमें समय खपाना पड़ता है। मतलब वही बात है कि जितना आप ग्राहकों को दिखाओगे, जितनी कैपेसिटी आपकी होगी, उतना ही माल और मार्केट के अंदर आपको सस्ता मिलेगा। तो सस्ता मिलने के लिए इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप इन 7 फेरों की कंपनी की कैपेसिटी तो आप सोच रहे होंगे कि करीब करीब 20 से 30 हजार स्क्वायर फीट के अंदर सिर्फ ये गोडाउन है। अब आप गोडाउन के अंदर देखिए कितने कितने कलर एक कलर के पड़े, क्या बात है, बिल्कुल मेरे कैमरे के अंदर मैं व्यू ले रहा हूँ तो पूरा नहीं शूट हो पा रहा है, तो माफी चाहता हूँ, अगले वीडियो में और देंगे। बाकी एक छोटा वीडियो आज इसलिए व्यू ले रहे हैं कि भाई अपने ग्राहक को पता चले कि 7 फेरों की कैपेसिटी क्या है, उस कैपेसिटी को दिखाने के लिए मैं आज आया हूँ 7 फेरों की गोडाउन का। आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ लहंगे ही लहंगे देखने को मिलेंगे।
मतलब लहंगे सस्ते देना और भावों में देना और आपको दो पैसे कमाना, वो साथ फेरो वाले प्रमोद भाई ये जो बोलते हैं कि भाई अपना ग्राहक अच्छा चलेगा, ग्राहक कमाएगा तो वो अपने पास रिपीट तुम चीज बढ़िया बने रिटर्न आना पड़ेगा। मतलब ये तो सोचने वाली बात है कि कैपेसिटी तो भैया आप तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, जहाँ तक आपको माल ही माल दिखेगा। प्रमोद भाई बिल्कुल, अब आप बताइए कि अपने व्यूवर्स को क्या चीज दिखा रहे हैं। देखो सर, वीडियो बना है तो 2-4-5 सैंपल तो दिखाना जरूरी है, सही है। नई चीजें, नया सैंपल्स, नया गोडाउन, तो नई सब चीजें ये देखिए। आप देखिए दोस्तों, ये अभी जो भी आइटम चलेगा वो बर्बरिक है, अच्छा जिमी चू है, जॉर्जेट है, इस टाइप के पैटर्न्स जो नए हैं इस साल के एंड वही चलेंगे। और इन सब चीजें बता रहा हूँ, लेकिन इन सब चीजों की रेट जो है ना सर, बिल्कुल अमूमन रेट है जो 1300, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 फाइनल है सर। मतलब 3000 के अंदर अंदर ये गोडाउन है, 3000 के ऊपर कुछ नहीं है मेरे पास। और मार्केट के अंदर तो ये लेंगे बता रहे हैं, तो ये साइडर है, ब्राइडल अलग से गोडाउन है, ये साइडर का गोडाउन है, बिल्कुल सही है। हाँ जी सर, तो ये जो लेंगे है, आज अपन इसकी बात करें इस पूरे गोडाउन के अंदर, तो लास्ट कितने तक का लेंगे अपने पास मिल जाएगा? लास्ट 3000 तक सर, मैं बोल रहा हूँ 3 से ऊपर कैपेसिटी नहीं है। हम आ रहे वही चीज बनाते हैं जहाँ कस्टमर है ना नजर ठहर के बैठ जाए और उसको लगे हाँ भाई हमारे लिए ही बना है। अब दोस्तों देख लो यही चीजें जो आपने, क्योंकि जो चीज डेली में चलती है बिकती है नॉर्मली, यानी कि मीडियम रेंज ही ज्यादा चलती है साइडर में, वही रेंज बना रहे। क्या बात, बस बिल्कुल, क्योंकि मेरे को तो सर 365 दिन बेचना है और इस स्टॉक से बेचना है, बिल्कुल सही। तो मेरे को ऐसा ही आइटम बनाना है ताकि कस्टमर को जितना ज्यादा से ज्यादा बेच सकूं, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा ले सके, बिल्कुल सही। एक बार आप दिखाओ ये सब चीजें दिखाओ तो मजा आए कस्टमर को देखने। अब आप देखिए दोस्तों, ये सब सैंपल है सर, दिल थाम के बैठ जाइए। ये सब जो भी आपके सामने पड़े हैं ना, ये सब बिखरे हुए जो भी चीजें हैं, ये इतनी डिजाइन है यहाँ लगी हुई है, बिल्कुल सही है। ये सैंपल्स है सिर्फ खाली, ये जो आज अपने शो पे जाने वाले थे, जो पहला वीडियो 650 से स्टार्ट होता है, 650 रूपए का चीज है, 650 का। अच्छा ये 650 650 रुपए का पीस है, 650 रुपए से स्टार्टिंग होता है, 650 से लेके क्या रेट मिल सकता है मार्केट में आराम से? अरे सर पूछो ही मत, मार्केट तो अलग चीज होती है। अच्छा। मार्केट तो कस्टमर अपने आप बता देगा वो। सर प्रमोद भाई तो मार्केट, मेरे को मार्केट की बात नहीं है, मैं तो अपनी बात करता हूँ। बिल्कुल सही है, मार्केट के अंदर आपको यही चीजें 9000-10000 रुपए के बगैर नहीं मिलेगी। अब आप देखिए कि मतलब जो क्वालिटी आप देखोगे ना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आप का मुनाफा डबल होना है, इसीलिए हम आए आज पूरे गोडाउन के अंदर। देखो लड़के आज आ गए तो सैंपल का माल और बन के रेडी होके आया है, वही स्टॉक लड़के जमा रहे हैं। आज शाम तक ये पूरा जो रो दिख रहा है आपको, खाली दिख रहा है, वो कंप्लीट पैक हो जाएगा, क्योंकि माल आया ही है कंपनी से बन के, फैक्ट्री से बन के आया। रोज आता है, रोज चलता है और रोज ये रोटेशन ऐसे ही घूमता रहता है। बिल्कुल सही बात, रोज खाली हो, शाम के टाइम खाली होगा, सुबह के टाइम भर जाएगा। सही बात है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और जुड़े रहे सात फेरों के साथ। तो ऐसा ऐसा कलेक्शन आप रास्ता ना भटके, VTM के अंदर 507-508 नंबर शॉप सेकंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। हाँ जी ठीक है, तो आप जरूर डिस्प्ले पे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें और स्क्रीनशॉट लेके आज इसी में से अगर आपको कोई पसंद आता हो तो आप भेज सकते हैं, पहला आया पहला पाया। तो दोस्तों एक छोटी सी लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अपने जन्म के दाता हैं, जो अपने माता पिता है, उनकी अच्छे से सेवा करें, क्योंकि वो सृष्टि के अंदर लाने वाले अपने को वही है। तो उनका ध्यान रखें, उनके समय के साथ देखभाल रखें, वो है तो सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।